मैं हूँ मानसी राठौर। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में नर्मदा युवा सेना नर्मदा नदी सहित अन्य नदियों में हो रहे अवैध उत्खनन को रोकने के साथ ही नदियों की संरक्षण साफ सफाई कर पौधारोपण का कार्य कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल के आह्वान के बाद से लगातार नर्मदा युवा सेना पूरे प्रदेश में पौधारोपण का कार्य कर रही है। इसी के तहत आज देवास टीम ने मां शिप्रा घाट पर पौधारोपण किया। आपको बता दें कि नर्मदा युवा सेना द्वारा मां शिप्रा घाट पर पुनः निरीक्षण किया गया। प्रशासन को संज्ञान दिलाने के बावजूद आज तक घाट पर स्वच्छता संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया है। नर्मदा युवा सेना ने खुद नदी माँ की स्वच्छता और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर पूरे घाट की सफाई करने का आह्वान किया है। जो कि हमारी प्रांत की जीवन दयनीय माँ है, आज पुनः नर्मदा युवा सेना वृक्षारोपण करने के लिए माँ के घाट पर आई है, शिप्रा नदी घाट पर। नर्मदा युवा सेना ने ऐसा पहले भी चरण चलाए थे कि मां शिप्रा नदी घाट की स्वच्छता की जिम्मेदारी नर्मदा युवा सेना ले रही है। आज यहाँ पर हम लोगों ने देखा, प्रशासन से हम लोगों ने अनुरोध करा था कि जल्द से जल्द इस घाट को स्वच्छता की ओर करें, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी भी कहीं ना कहीं कुछ अस्वच्छता मुझे दिख रही है। बस अब वो समय शीघ्र है, नर्मदा युवा सेना अपनी पूरी सेना के साथ में यहाँ पर आएगी और माँ की संपूर्ण घाट की स्वच्छता का बेड़ा उठाकर माँ को स्वच्छ रखने का कार्य उनके बेटे करेंगे, जो पूरे देश में एक जन आह्वान बनकर इस क्रांति को आंदोलित करेंगे कि हर नदी माँ हमारी माँ के स्वरूप है और उनकी जिम्मेदारी उनके बेटों की, उनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी।